अरे भैया सीता माँ, ये आपने कहा कियो भैया, कहा कियो, हमारे प्राण ते प्यारो कन्हैया, आज तुमने यात्रा में कुदाए दियो सीधा माने। अरे मैया यशोदा हमते पूछेगी, अरे ग्वाल वालो मेरो कन्हैया कहा है, मेरो कन्हैया कहा है, तो हम कौन से मोते किंगे कि हमने एक छोटी सी गेंद के काजे वाके कन्हैया को या तेमे कुदाई दियो नहीं सीधा नहीं। भैया मैं वासो हासी कर रहे हो, मैं सत्य कह रहा हूं भैया, मैं वासो हासी कर रहे हो, मोकू नहीं पतोई हमारो कन्हैया जमुना जी में कूद जाएगा भैया, मोकू नहीं पतोई। अरे अरे ये मोटे का अपराध है गए हो, मैंने एक छोटी सी गेंद के कारण एक छोटी सी गेंद को अपने कन्हैया को जमुना जी में कुदा दी हो, अरे मैं तो काऊ को अपना मुख दिखावे लायक नहीं रहे हो, माँ यशोदा मिलेगी, बाबा नंद मिलेंगे, मोते पूछेंगे कि बता बता रे सीधा माँ हमारो कन्हैया कहाँ है, तो कैसे कहूंगा कौन से मोते कहूंगा कि मैंने एक छोटी सी गेंद के पीछे कन्हैया को जमुना जी में कुदा दी हो। भैया या तो कन्हैया लौट के आ जाए, नहीं तो विश्वास करो मैं हूं जमुना जी में अपने प्राण को त्याग दूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। अरे मैं कहा या ब्रज में कोई जीवित नहीं रहेगा, गैया रमा रमाए के मर जाएंगी, माँ यशोदा पछार खाए खाए के मर जाएगी, बाबा नंद गैया कोई जीवित नहीं रहेगा भैया। अरे कन्हैया मैं तो सो हंसी कर रहे हो भैया, तो सो हंसी कर रहे हो तू भैया, आया नहीं आया तो तेरी ये नहीं सोची कि तेरे बिना ये तेरे सखा कैसे जीवित रहेंगे, कैसे जीवेंगे भैया, सब मर जाएंगे कोई जीवित नहीं रहेगा, कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, मर करके ना जाने कहाँ जाएंगे, जहाँ भेज देगा वहीं जाएंगे, कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, टूट जाए ना माला तेरे नाम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ब्रजवासियों की बहुत बुरी दशा हो जाती है भगवान के जाने के पश्चात, और यहां भगवान कहां पहुंचे, गेंद के संग कूद बालक जब लजल पोचो जाए के, जहां लागे लागिल करत क्रीड़ा प्रभु पहुंचे तहां जाए के, प्रभु पहुंचे तहां जाए के, उसी तह में भगवान पहुंचे। Thank you.
ही सुंदर संवाद नागिन और भगवान का यहाँ पर। कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तेरो नाम है, कौन सकी को पुत्र कहावे, कहा तिहारो गाम है। हे बालक तू कहाँ से आया है, कहा तेरो नाम है, कहा तेरी मैया को नाम है, कहा तेरे काका को नाम है। पूरब दिशा से आयो रे नागिनी, गोकुल हमरो गाम है, मात यशोदा पिता नंदजू कृष्ण हमरो नाम है। अरे नागिन मैं पूरब दिशाती तो आयो हूँ और गोकुल मेरे गांव को नाम है, नंद मेरे बाबा को नाम है, यशोदा मेरी मैया को नाम है और कृष्ण मेरो नाम है। के बालक तू डगर भूलो मगजो भूलो, के घर नार रिसाइया, के तेरे मन कछु क्रोध उपजो, के बैरिन भरमाइया। अरे बालक कहा तू अपने घर की रास्ता को भूल के आयो है, या तेरे हृदय में क्रोध उपजो है, या काहू बैरी ने तोकू या काली धह में ढक्का दियो है, या तेरे घर में तो से स्त्रियां नाराज है, कहा बात है। ना नागिन में डग जो भूलो, ना नागिन में मग जो भूलो, नागर नार रिसाइया, ना मेरे मन में कछु क्रोध उपजो, ना बेरिन भर माइया। अरे नागिन ना तो मैं डगर को भूला हूँ और ना ही काऊ मक्कू भूला हूँ, और ना ही कोई स्त्री ने मुकू या काली धे में धक्का दियो, मैं तो अपनी मर्जी ते आया हूँ, अपनी मर्जी ते। ले जा रे गल हार माला सवा लाख की भोरिया, ले जा रे बालक इतनो धन नाक से दू चोरिया। अरे बालक सुन इधर देख, ये हार देख रहा है ना 9 लाख का है, ये हार ले जा और मैं तुझे इतना धन दूंगी, इतना धन दूंगी कि तू बैठ के खाएगा, लेकिन तू यहाँ से चला जा, क्योंकि मेरे प्राणनाथ जग गए, बड़े ही क्रोधित है, इसलिए तू यहाँ से चला जा। अरे नागिन तू मोते कह रही है या 7 लाख के हार को लेके मैं यहाँ से चले जाऊं। अरे नागिन कहा करूं गले हार माला 7 लाख की बोरिया, वृंदावन में घड़ो हिलोड़ो तेरी नाक की करूं मैं दोरिया। अरे नागिन मैं या तेरे 7 लाख के हार को कहां करूंगो, श्री श्री धाम वृंदावन में श्री श्यामा जी को हिलोड़ो गड़ो भयो है, और मुकू महा के लिए रस्सी कहीं नहीं मिली है, जासो मैं या तेरे पति देव को नाथ के जाकी रस्सी बनाई के श्री श्यामा जी को झुलाऊंगो और खुद झूलूंगो। अरे ओ ना बालक यहाँ से चला जा, तुझे पता नहीं अगर मेरा नाग जग गया ना तो तुझे मार डालेगा, और भाग जा तू यहाँ से ए बालक। सुनो ए बालक हाँ। और कहाँ से आया तू जमुना में बालक बता, भाग जा तू यहाँ मारा जाएगा, कहाँ से आया तू जमुना में बालक बता, भाग जा तू यहाँ मारा जाएगा, कहाँ से आया तू जमुना में बालक बता। जमुना में बालक बता, भाग जा तू यहाँ मारा जाए ना, नाग छेड़ेगा मेरे को जो तू अगर, नाग छेड़ेगा मेरे को जो तू अगर, तू तो बेमोतिया मारा जाएगा, भाग जा भाग जाए बालक। सुनो बालक बता, कहां से आया है अपना पता तो बता,
बच्चा कैसे आया यहाँ पर ए बालक बता अपना कुछ तो यहाँ पर बता है बता नाग जग गया मेरा तो जाने ये क्या नाग जग गया मेरा तो जाने ये क्या तू तो बेमोती यहाँ माँ राजा आएगा कैसे आया तू जमुना में बालक बता पति देव को जगा अच्छा क्यों नहीं तू यहां से चला जा मैं अपने पति देव को जगा रही हूं क्योंकि प्रभु के सन्मुख कहती नागिन जाओ रे बालक भाज के तेरा रूप देख दया जो आवे नाग मागे जाग के अरे बालक तू आज प्रथम बार यहां आया है तेरे रूप को देख के मुझे बहुत दया आ रही है इसलिए तू यहां से चला जा नहीं तो मारा जाएगा तू बार बार कह रही है मैं यहाँ सो चलो जाऊं यहाँ सो चलो जाऊं अरे मैं भागूं तो कुलकू दाग लागे भागूं तो कुलकू दाग लागे अब भाग्यो कैसे बने होनी हो सो हुंद नागिन नाग तो ना थई बने अरे नागिन मैं यहाँ सो भागूंगो मेरे कुलकू दाग लगेगो अब तू बता मैं कैसे भागूं जो है रही है बाहुंद अरी बाबरी सरब सो अरी बाबरी सरब सो कहां दरावत मोए जैसो मैं बालक हतूं अबई दिखाऊं तोए जगापति देव को हे स्वामी आप जगिए और इस बालक से युद्ध करें आप क्या कारण है त्रिये सोते से मुझे जगाया है जमुना के पीछे मरा नहीं जो शत्रु यहाँ तक आया है अरे यमुना जल विस्तन कर दीना यमुना जल विस्तन कर दीना इस जल में विष फैलाया है तुझ काली को नातन कारण ये बंसी वाला आया है क्या कहा वंशी वाला वंशी वाला वंशी वाले का काम नहीं रण में है काम लड़ाके का तेरा दम निकल जाएगा चुटकी में फेंकूंगा जहर कड़ाके का तेरा छोटा मुंह और बड़ी बात तू बकता रहा नादान समझ ले अभी तलक बच्चे के नाते बचा रहा अरे होश करे वरना तू पछताएगा तेरी इन बातों का जवाब मेरी ठोकरों से तू खाएगा ठीक है तू नहीं मानता तो आ मुझसे युद्ध कर अभी तुझे जला के भस्म किए देता हूँ अरे नंद बाबा की आन है मोकू नंद बाबा की आन है मोकू सौगंध यशोदा मैया की बलराम भैया की आन और अपनी बंसी की सौगंध है मोकू लड़ूंगो मैं तेरे संग आज ना कदा पीछे हटूंगो यदि मैं कृष्ण हूँ तो तुए नाथ के ले जाऊंगो आ जा युद्ध कर कालिए युद्ध कर क्यों युद्ध बहुरत अखाई पूरे नहीं ने गौ यजराई क्यों युद्ध बहुरत अखाई
अंग संसारो तू मुझे जानता नहीं है, मैं सब सर्पों का राजा हूं। कालिया नाग, अभी तुझे अपनी पूंछ में लपेट कर तेरे अंग अंग को तोड़ दूंगा। जब ही श्याम तन अति विस्तारो टूटन लगो अंग सब सारो काली हर सो निपट गए मन में शरण शरण जब उरग पकारो मैं नहीं जानो प्रभु रूप तुम्हारा शरण हूँ भगवान शरण हूँ त्राहिमाम त्राहिमाम हे भगवान मैं आपके इस रूप को नहीं पहचान पाया मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ भगवान जीव दान मुझे जीव दान दो अपनी शरण राख प्रभु नीचे मुझे जीव दान दो मैं आपकी शरण हूँ भगवान मुझे क्षमा करें वाणी सुनते भगवाना सकुच गए हरि कृपा निधाना भैया मैंने तो कुछ क्षमा कियो भैया पर तू अब यहाँ पे मत रहवे तू यहाँ से चलो जा नहीं भगवान मैं अपने लोग के लिए नहीं जाऊंगा क्यों क्योंकि मेरा भाई गरुण मुझे देखते ही खा जाएगा अब तेरा भैया गरुण तोते कछु नहीं कहेगो क्योंकि तेरे या मस्तक में मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं इन्हें देख के तो को नमस्कार करेगो अपने लोग को जा परंतु भगवान मैं आपके ब्रज देश के दर्शन करना चाहता हूँ और आपकी कुछ सेवा भी करना चाहता हूँ भैया यदि तू मेरी सेवा करना चाहे हाँ। तो तेरे लिए यही सेवाएं तू वा राजा कंस को 1 करोड़ नील कमल के फूल पहुँचाए दियो ए मेरी लपलपाती नागनो जाओ मेरी पीठ पर 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ नील कमल के फूल ला दो मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ और ब्रज देश के दर्शन करना चाहता हूँ।